तो ये है आज का हमारा डॉग ब्रीड लैब्राडोर का मेल पपी, और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। वैसे तो बाइट कर रहा है अभी फिलहाल, तो बाइट की चिंता ना करें। रीज़न क्या होता है कि अभी थोड़ा ये दांत आपको लगाएगा हर जगह, हम तो क्या हूँ चप्पल तो चबा करके थोड़ा। आपका नाम? और आपका नाम क्या है? मैं। तो आप लोग चारों आए कहाँ से? एड्रेस क्या है? आप डाइट क्या कुछ रहना चाहिए और क्या एक्स्ट्रा दे सकते हैं? जो रेगुलर डाइट है मैं वो बता। Welcome to Aryan Pet Shop. Here we have the best quality dogs and puppies with 100% pure breed and reasonable prices. Our shop is located in Bhur, Patna, but we deliver all over Jharkhand and Bihar. नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्यन पेट शॉप से। तो आज हमारे पास दो चार डॉग ब्रीड है, लेकिन देने वाले बस एक डॉग ब्रीड है, और वो डॉग ब्रीड बहुत ही मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में आता है। जैसे कि आप ये कह लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड में उसका नाम है, और आप कह लें कि टॉप 5 रैंकिंग है उसका पूरे वर्ल्ड वाइड, सबसे ज़्यादा मतलब पसंद किया जाने वाला डॉग ब्रीड है ये। तो चलिए दिखाते हैं आज का हमारा डॉग ब्रीड, और ये डॉग ब्रीड जा रहा है बहुत ही कम प्राइस में। देखो जैसे कि लैब्रे में बहुत सारा क्वालिटी वैरायटी होता है, लैब्राडोर आपका 8-10 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, और आपका 40,000-50,000 तक पपीज़ के जनरली रेट जाते हैं एज पर क्वालिटी, जैसी क्वालिटी हो उस टाइप का रेट जाता है। उसके बाद अब बात करेंगे हम लैब्राडोर के बारे में, उसके प्योरिटी को लेकर के, कि आप कैसे पहचाने कि भाई आपका लैब्राडोर बिल्कुल प्योर है और वो प्योर जा रहा है हमारे यहाँ से। उसके बाद बात करेंगे उसके खान पान की, तो बने रहना इस वीडियो पे, और देखें कि भाई उसके डाइट को लेकर के क्या कुछ नया मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि 45 डेज प्लस बच्चा है, तो उसके बाद एक्स्ट्रा डाइट चलता है, जो कि अपना डॉग फूड को हटा करके एक्स्ट्रा क्या कुछ चला सकते हैं इस पर करेंगे चर्चा। तो चलिए वीडियो पे बने रहें, स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा डॉग ब्रीड लैब्राडोर का मेल पपी, और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। वैसे तो बाइट कर रहा है अभी फिलहाल, तो बाइट की चिंता ना करें। रीज़न क्या होता है कि अभी थोड़ा ये दांत आपको लगाएगा हर जगह, क्योंकि इसके जब दांत नए नए उग रहे होते हैं तो थोड़े सेंसेशन होते हैं इसके दांतों में, तो ये किसी भी चीज़ को चबा करके, या आपका हाथ हो, सोफ़ा हो, जूता हो, चप्पल हो, तो चबा करके थोड़ा एंजॉय करता है। और इसके बाद बात कर रहे थे आपके क्वालिटी को लेकर के, तो आप देखिए इसके ईयर को और इसके हेड को देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल प्रॉपर वे में है, जो कि बिल्कुल कान से सटा हुआ है, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लैब्राडोर का कान बिल्कुल ऐसा फ्लाई हो गया या ऐसे उठ करके आ रहा है ऊपर से, तो ऐसा टाइप का क्वालिटी आप बिल्कुल ना लें, समझ ले भाई वो क्वालिटी में थोड़ा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है, या तो स्ट्रीट डॉग से या फिर कहीं और। तो ये हमारा आज का लैब्राडोर, चलिए मिलते हैं आज के हमारे कस्टमर से और पूछते भाई कि क्या कुछ उनका रिव्यू रहेगा हमारे शॉप को लेकर के। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? भावेश। भावेश, और आपका नाम क्या है? प्रथम। प्रथम, और आपका? मयंक। करण। करण, तो आप लोग चारों आए कहाँ से? एड्रेस क्या है आप लोग का? कोथमा साइड से। दानापुर। आप दानापुर कोथमा साइड से सब रहते हो? सब लोग, सब लोग उधर आसपास ही, मतलब नियर बाई में ये लोग रहते हैं। तो आप लोग से ये जानना चाहेंगे कि भाई नंबर मेरा कहाँ से मिला था आप लोग को? तो वो गूगल से मिला था। गूगल से? तो गूगल पे क्या सर्च किया था आपने? वही पेट शॉप। पेट शॉप, पेट शॉप नियर में। तो बहुत सारे पेट शॉप आपको दिखे होंगे, तो आपने सभी जगह ट्राई किया किया उसके बाद आपको क्या कुछ ऐसा था जो कि यहाँ पे आने को लगा कि भाई आना चाहिए? चलिए बच्चा पहले अपना पकड़ लीजिए। नहीं, वही प्राइस थे। वही प्राइस, तो सबसे मेन चीज होता है प्राइस और क्वालिटी। ऐसा नहीं कि मतलब आप प्राइस बहुत कम ले रहे हैं तो क्वालिटी आपको बिल्कुल लो मिल रहा है। तो ये आपको जो डॉग ब्रीड मिल जा रहा है हमारे यहाँ से, ये क्वालिटी आप लोग देख रहे हैं, आपको कमेंट में जरूर बताएंगे क्वालिटी कैसी लगी आप लोग को। और करते हैं भाई इन लोगों से बातचीत की भाई इनको क्वालिटी कैसी लगी। तो आप लोग भी ये बताएं, आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा डॉग ब्रीड देखा देखा आपने मेनली। इसको नीचे छोड़ दीजिए, आराम से खेलने दीजिए इसको। छोड़ दो इसको नीचे। हाँ, नीचे छोड़ दीजिए।
जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसको जितना कम कैरी करेंगे उतना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जब आपका डॉग खाया पिया रहेगा उसमें आप पकड़ेंगे तो कभी कभार आपका पेट दब गया तो वोमिट भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चे को बहुत कम कैरी करें, खाना खाने के बाद तो बिल्कुल कैरी नहीं करता, उसके बाद फिर आप कर सकते हैं। आप लोगों ने पहले कभी डॉग पाला या फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम आप चारों का एक्सपीरियंस? मेरे पास डॉग था। आपके पास डॉग था तो कौन सा डॉग ब्रीड? नॉर्मल ही था, अपना इंडियन डॉग ब्रीड जिसको परियार डॉग कहते हैं, उसको परियार कहते हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम था। तो वो डॉग ब्रीड का आप इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा तगड़ा होता है, क्योंकि वो अपना इंडिया से बिलोंग करता है तो उसका इम्यून सिस्टम ज्यादा तगड़ा होता है। वो अपने वॉर्म्स को लेकर के बहुत ज्यादा केयर नहीं करना पड़ता, पेट में उसके कीड़े होते हैं। किसी भी डॉग को जब वो बच्चा होता है वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो वॉर्म्स होता ही रहता है, पूरे लाइफ टाइम होता रहता है। तो वॉर्म्स के लिए वो लोग क्या करते हैं, जो अपने डॉग ब्रीड होते हैं इंडिया के, वो क्या करते हैं, घास खा लिया, निकाल दिया बाहर, तो सारा कुछ बाहर आ जाता है। तो करते हैं सर डाइट को लेकर के बातचीत, भाई डाइट क्या कुछ रहना चाहिए और क्या आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं? पहले जो रेगुलर डाइट है मैं वो बताता हूँ, उसके बाद मतलब टाइम टू टाइम जैसे सुबह से क्या देते हैं, उसके बाद फिर दोपहर में क्या देंगे, शाम में क्या देंगे, वो सारा कुछ मैं एक बार डिटेल में बताता हूँ। अगर आप लोगों को कहीं ना समझ में आए तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और आपके पास तो मेरा पर्सनल नंबर है ही, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कभी भी आप पूछ सकते हैं 11 बजे रात के पहले। उसके बाद बच्चा समझदार है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो कि शुरुआत में देने होते हैं, तो ये मेडिसिन का चर्चा करेंगे उसके जो रूट में जहाँ पे मेडिसिन की जरूरत पड़ेगा। तो सुबह से आप पहले खाना पीने का मेन सीन है, सुबह आप लोग 7-8 बजे उठ गए होंगे अप्रॉक्सीमेट, या 9 बजे उठते होंगे मे बी। तो 8-9 बजे के आसपास जब आप उठ गए तो थोड़ा सा 1.5 लीटर का पानी ले लेना है इसमें, इसमें से अभी फिलहाल स्टार्टिंग टाइम 15-20 दाना इसमें डॉग फूड का निकाल करके डाल देना है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 25 करेंगे, 30 करेंगे, 35 करेंगे, आधा कप, एक कप, एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, आधा किलो, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब शुरुआत में 15-20 दाना इसमें डॉग फूड का मिला देना है, थोड़ा देर फूल जाएगा। कोई भी सेरेलेक आप ले सकते हैं, ह्यूमन वाला सेरेलेक ले सकते हैं, या डॉग का एक अलग से मिल्क आता है वो ले सकते हैं, 1 चम्मच आपको मिक्स कर देना है इसमें। मिक्स करने के बाद 15-20 मिनट उसमें छोड़ देंगे, जब बढ़िया से इसमें फूल जाएगा तो हाथ से क्रश करके दे देना है। सुबह का डाइट खत्म। खाना खाने से पहले यानी कि सुबह सुबह जैसे उठेंगे तो ये खाली पेट में देना होता है, ये गैस की दवा, ये सुबह सुबह खाली पेट में देंगे लिक्विड और कैप्सूल, ये सारा सारा सिरप में ही आएगा। बच्चों को जैसे हम लोग ह्यूमन में सिरप देते हैं उस तरह इनको भी सिरप देने से पहले पड़ता है। हाँ, खाली पेट में देना, खाली पेट में देना सुबह सुबह। उसके बाद आपको खाना खाने के बाद लिवर टॉनिक, मल्टी विटामिन, ये दो चीज देना होता है। मल्टी विटामिन मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, आप ले लेंगे कहीं और से। लिवर टॉनिक अभी दे देंगे, ये सुबह सुबह दे रहे हैं 1.5 ml के आसपास ये देंगे, ठीक है। उसके बाद ये शाम में भी चलेगा, सुबह भी चलेगा, शाम भी चलेगा, दो टाइम चलेगा। तो सुबह का जब डाइट खत्म होगा दोपहर का आता है, दोपहर में दही के साथ चावल भी ऐड करके दे सकते हैं, सोयाबीन चावल भी दे सकते हैं दोपहर के टाइम में, डॉग फूड के साथ भी दही ऐड करके दे सकते हैं। ये तीनों खाना आप दोपहर में चला सकते हैं। दोपहर में दही बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, मतलब कैलोरी एंजाइम में जो जल्दी पचाने में हेल्प करता है दही, तो दही आप रेगुलर रखें, दोपहर के में टाइम में आप दही खिला देंगे। उसके बाद जो शाम का टाइम होता है, लेकिन एक चीज़ और, दही खिलाते समय एक चीज़ खास ध्यान रखना है, जो कि वेदर, वेदर अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो आप नहीं खिलाएंगे दही, क्योंकि हम लोग को भी नहीं खाना होता है ज़्यादा ठंडा मौसम होता है ना, दही से सर्दी, खांसी, बुखार, तो वो समस्या डॉग के साथ भी होता है। तो वेदर अकॉर्डिंग टू वेदर चलेंगे, जैसा रहेगा वेदर उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। दोपहर का खाना अभी शाम का टाइम में स्नैक्स, जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं कुछ खाया, अंडा वगैरह छेना पड़े उसी तरह से इसको भी शाम में नाश्ता कुछ करा देना, जैसे मैं छेना, अंडा, पनीर, ये कुछ दे सकते हैं, डॉग बिस्किट आता है वो दे सकते हैं। डॉग बिस्किट नहीं आपके पास तो अरारोट वाला कोई भी बिस्किट आप दे सकते हैं, जो भी देंगे कम क्वांटिटी में देंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना। रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे तो लूज मोशन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, जो देंगे थोड़ा ही सा देना, जैसे एक आध दो बिस्किट दे दिए। उसके बाद जो रात का मील आता है, रात में जैसे आपने सुबह दिया सेम वैसे ही रात में आप रिपीट करते हैं। जब भी डॉग को खाना खिलाएंगे, खाना खिलाने के बाद तुरंत आपको पॉटी कराने के लिए ले जाना है, मॉर्निंग में भी रात में, हाँ जब भी आप खाना खिलाएंगे, खाना खाने के बाद ही डॉग पॉटी करता है जनरली, और बीच बीच में कभी कभार कर सकता है, क्योंकि आप अब 4 टाइम अभी दे रहे हैं, 3 टाइम दे रहे हैं खाना, तो ज़्यादा पॉटी कर सकता है, तो आप टाइम नोट करेंगे कि भाई किस टाइम में पॉटी करता है। वो डॉग एक ही टाइम पर पॉटी करना अपना सुनिश्चित करते हैं, उसी टाइम करते भी हैं, वो ध्यान में रखिए।
उस टाइम आप पॉटी कराने के लिए जाएंगे ताकि आदत बना रहे, नहीं तो फ्यूचर में क्या होता है कि डॉग घर में ही पॉटी कर रहा है, लाइफ टाइम उठा रहा है, तो वो वाला सीन नहीं, वो वाला सीन थोड़ा सिखाएंगे और टाइम टू टाइम ले जाएंगे तो वो उसी जगह पर पॉटी करना स्टार्ट कर देगा जहाँ पे वो करता है। एक बार अगर बाहर कर लिया तो वही करेगा, छत पर अगर ले जाके आपने करवा दिया तो वो चिल्लाएगा भौंकेगा कि भाई मुझे ले चलो। उसके बाद सबसे मेन चीज आता है वैक्सीन और डिवर्मिंग। तो डिवर्मिंग के लिए मैं बता दूं कि ये हर 15 दिन पे आपको ये चलाना होगा, हर 15 दिन पे रिपीट होगा, लाइफ टाइम चलता है, अभी 15 दिन पे, फ्यूचर में 1 महीने पे, उसके बाद फिर 3 महीने पे, लेकिन ये जिंदगी भर चलेगा। अभी सिरप फॉर्म में है, फ्यूचर में टैबलेट फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन लाइफ टाइम उसको चलाना है। क्योंकि पेट में जो वर्म्स ज़्यादा हो जाएगा तो पेट भी आपको थोड़ा बड़ा साइज का दिखेगा, नीचे लटका हुआ दिखेगा, तो समझिए पेट में वर्म्स है। और उसके बाद आँख से पानी आना, आँख में पानी आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो समझे पेट में कीड़ा रहता है, तभी वैसे सिचुएशन में होता है, या वो ईटा खाने लग जाएगा, पत्थर चबाने लग जाएगा, या कुछ वैसा चीज हाँ चबाने लग जाएगा, तो समझिए कि भाई आपके डॉग को वर्म्स है पेट में। बाहर निकालने पर वो कुछ भी मुँह में लेना चालू कर देगा, चबाना चालू कर देगा, निकलने की कोशिश करेगा, तो वैसे टाइम पर समझिए कि पेट में वर्म्स है। तो उससे पहले ही आपको हर 15 दिन पर कर देगा तो वैसा सिचुएशन नहीं आता। लेकिन एक तरह का साइन है, नेचुरल साइन है जो डॉग खुद देता है कि भाई मेरे पेट में वर्म्स अभी तक बरकरार है, आप मुझे हेल्प कीजिए। तो ये आपको हर 15 दिन पर देना। अभी लास्ट टाइम कब पड़ा है, 6 दिन पहले पड़ा, 4 दिन पहले पड़ा है, वो हम बता देंगे। उसके बाद आपको 15 दिन जोड़ करके भी बता देंगे अगर जोड़ने में दिक्कत हो नहीं। तो 15 दिन आप जोड़ देंगे फिर आप दे लेंगे। फिर उसके बाद एक कार्ड आता है, कार्ड पे लिखा होता है कि आज आपने डेट दे दिया, नेक्स्ट ड्यू डेट आप लिख देंगे 15 दिन बाद देना है, फिर वो डेट को फिर आप दे देंगे, फिर अगला ड्यू डेट दे देंगे 15 दिन बाद, जोड़ जोड़ के आपको 15 दिन पर उसको देना है। और मेन चीज़ आता है वैक्सीन का। वैक्सीन अभी आप इसको पहला वैक्सीन आप दिलवा सकते हैं, इसका टाइम हो चुका है, पहला वैक्सीन आप दिलवा लेंगे, दूसरा वैक्सीन 21 दिन बाद पड़ेगा, तीसरा फिर आपको 21 दिन बाद पड़ेगा, 4 वैक्सीन टोटल पड़ता है, 2 इसका बीमारी से लड़ने वाला ताकि इस डॉग को बीमारी ना हो, 2 इसको पड़ता है आपको बीमारी ना हो, कभी गलती से बाइट करना हो, रैबीज जिसको बोलते हैं, वो 90 डेज के बाद पड़ता है। तो अभी आपका डॉग 45 डेज प्लस है, तो आप उसको पहला वैक्सीन दिला देंगे, जब 90 डेज का होगा तो रैबीज आप दिलवा लेंगे। जैसे कोई कभी कभी जैसे खेल रहा है, खेलते समय बॉल ऐसे पकड़ रहा है, गलती से ऐसे पकड़ने के चक्कर में बॉल और आपका हाथ पकड़ लिया, वो काटने की कोशिश नहीं कर रहा, काट नहीं रहा लेकिन गलती से दांत लग गया, तो वो रैबीज ये नहीं देखता कि गलती से लगा या जानबूझ के काटा है, रैबीज तो होगा ही, तो उसको आपको पहले से सचेत रहना, रैबीज आपको दिला कर रखना है, तो फिर आपको सलमान खान होगा इतने बड़े बड़े इंजेक्शन, अभी बहुत कम हो गया, अभी 3 से 5 इंजेक्शन लगता है, पहले 12 लगता था शायद, 14 इंजेक्शन लगता था पहले, 14 इंजेक्शन लगता, अभी 3 लगेगा आपको, दिक्कत नहीं। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी इन लोग से भाई रिव्यू ले लेते हैं, कितना बुराई कर लेते हैं हमारे शॉप के बारे में या क्या कुछ अच्छा बोलते हैं। तो चलिए ओवर टू यू, आप लोग बताएं कि भाई यहाँ का एक्सपीरियंस आपको खुली कैसा लगा, या हमारे द्वारा दिया गया जानकारी समझ में आया नहीं आया या जो कुछ भी है। हाँ अच्छा है, सब समझाया।
और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ भी सकते हैं। हाँ, वो आपसे हम कॉल करके पता कर अच्छे से बताऊंगा। हाँ, ऐसे तो वीडियो डालेंगे ना। हाँ बिल्कुल, वीडियो तो डलेगा ही। हाँ, तो आप लोग हमारे शॉप के लिए क्या कुछ रिव्यू देना चाहेंगे कि भाई यहाँ पे कस्टमर को विजिट करना चाहिए, ऑनलाइन लेना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए या कुछ भी ऐसा कुछ? हाँ, अगर आपके दिल विचार में है तो बता सकते हैं। हाँ, आना चाहिए, प्राइस ठीक है, रीजन भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। भैया के यहाँ जरूर आइएगा पेट लेने। थैंक यू।